घर पर जरूर मिलेंगे कि यार वो जो आज मल्टी बिलियनर है वो तो उसने तो कभी वेटरिन भी नहीं किया, तो भाई ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मल्टी बिलियनर उसने वेटरिन नहीं किया, उसकी एक स्टोरी है, उससे आप एक अलग इंस्पिरेशन है। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे तो अगर बहुत ही कोई नापूजी आदत ना हो जाए कि जिसमें अर्न करना बहुत जरूरी है, वो आजकल के जमाने में अगर नापूजी आदत होने का इम्कान और कम हो गया, वो क्यों? क्योंकि अब ये तो नहीं है ना कि अगर आपने जॉब करनी है तो आप जॉब या पढ़ाई में से करें, अब तो पता नहीं वर्चुअल स्टडीज तो फला कोर्स तो फला कोर्स। तो इफ यू आस्क मी, मेरा तो ये ओपिनियन है कि अगर आप तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है मॉनेटरी गेन की सूरत में, तो भी भाई ये तालीम आप बिल्कुल भी इसलिए ना छोड़ें कि आप ये सोचें कि आपके साथ मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि अगर आज आपने 10 जमातें पढ़ ली है मिसाल के तौर पे और आपको अपॉर्चुनिटी आ गई है 500 रुपए की, तो भाई आप ये यकीन रखें कि आपने इस 10 को जब 20 करना है तो अपॉर्चुनिटी ने 500 से 5 लाख पे जाना है, तो वो इन्वेस्टमेंट ही है। मेरा बिल्कुल ये बेटा एक बड़ा सवाल था, छोटी सी चीज था, आप लोग को खुदा ना खास्ता ये नहीं कर रहा है कोई हाथ हाथ उठा के बता दो वो कौन है। अच्छा चलिए मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ बेटा, आप दुनिया में मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मैकेनिक भी है, मैकेनिकल इंजीनियर भी अपनी गाड़ी सही कराने के लिए मैकेनिक के पास जाता है, मैकेनिकल इंजीनियर अपनी गाड़ी खुद ठीक नहीं कर सकता, मैकेनिक के पास जाता है। लेकिन मेरा बेटा जब अपॉर्चुनिटी आती है तो मैकेनिक तालीम ना होने की वजह से यहाँ पर रहता है और मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है, ये तालीम का मतलब है। डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स और उसको देखते हुए उसमें सिलेक्शन किया जाता है। तो आप अगर कहीं से सिलेक्ट नहीं हो रहे तो डोंट यूज द वर्ड रिजेक्शन, इट्स लाइक यू आर नॉट बीइंग सिलेक्टेड, मे बी द नेक्स्ट चांस इज योर सिलेक्शन एंड योर सेट ऑफ स्किल एंड योर क्वालिटीज विल मैच देयर रिक्वायरमेंट, सो कीप ऑन ट्राइंग। जैसे कि नितिन साहब ने कहा कीप ऑन ट्राइंग। मैं एक बात ऐड करूंगा, आपका नाम बेटा मुझे बताइए, आप किस सीट पे बैठे हैं आज, क्या मेरिट पे बैठे हैं? बात याद रखिएगा, अंडा इज द बेस्ट प्लान है, जो लिखा है आपके नसीब में वो होते रहेगा चाहे वो जिस रास्ते से गए। अनिल मैं यहाँ पे सिर्फ दो पुरानी आयात का हवाला देना चाहूँगा पूरी यूथ के लिए। सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाता है इन मईसल इंसान अकेला मासिया, बेशक इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और उसकी कंटिन्यूएशन में है इन सही को मशहूर, बेशक तुम्हारी मेहनत की कदर की जाएगी। कि अल्लाह ताला का वादा है वो मेहनत वहाँ शायद रिवॉर्ड ना हो रही हो लेकिन वो आपके पॉकेट में आपके बॉक्स में रख दी जाती है और कहीं ना कहीं उसका रिटर्न मिल रहा होता है। कि अल्लाह का वादा है नाउजुबिल्ला, इंसानों का वादा नहीं है। इन सही को मशहूर रखने से आयत को याद रखिए और अपनी मेहनत को जारी रखिए, वो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं जमा हो रही होती है और कहीं ना कहीं रिटर्न मिल रहा होता है। Thank you so very much, Dr. Atul. Now I would like to take the concluding remarks from all of my panelists. Let's start from Dr. Azim, then we can move forward. Please, Dr. Azim. I'm really delighted to see such a vibrant youth. आप लोग माशाल्लाह जिस तरह से participate किया और जिस तरह से involved हुए, disagree कर सकते हैं कि एक चीज जो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुई है कि अपने ज़हन में ना ये सवाल, ये किताबी बात नहीं करना, मैं कोशिश में करता हूँ जो मुझे ठीक लगे वो कहूँ, अपने जहन में ना सवाल की जस्तजू और शक की गुंजाइश हमेशा रखें।
यानी क्या वसीम बदामी साहब क्योंकि टीवी पर आते हैं और ये है और ये वो, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग कह दिया पत्थर पे लकीर है। यहाँ आप 100 बातें सुनेंगे, 100 ओपिनियन सुनेंगे, आप सबको सुने, फिल्टर अपना इस्तेमाल करें। हाँ, आपको मेरा ख्याल अब मैं हर जुमले से पहले नहीं कहूँगा, लेकिन इसको आप लगा लें कि हर बार की मेरी अपनी ओपिनियन है, जैसे कोई भी एक डेढ़ सीट करता है आपने और मैंने अपनी उस स्किल को पॉलिश करना है कि जिसमें हमारा जो फिल्टर है ना उसकी क्वालिटी अच्छी से अच्छी होती चली जाए ताकि वो हमारी सलाहियत बेहतर हो। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी डायलेमा ये भी होता है कि स्टूडेंट या कोई भी बंदा, स्टूडेंट इन दिस केस या कोई जॉब पर आने वाला बंदा होगा, वो अपने जहन में एक अलग तासुर लेकर आता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसको जो बताया जाता है बिल्कुल अलग होता है, वो कहता है यार ये तो मतलब मैं तो बिल्कुल ही गलत था, ये 10 साल से यहाँ बैठा है तो ये तो ठीक कह रहा होगा, तो ये और अजीब क्राइसिस का शिकार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपनी फील्ड में आया, एक जुमला जिससे मुझे बड़ी चिड़ थी, मैंने जो जुमला जाए मारा तो रोक के चिड़ का इस्तेमाल कर लिया वो ये कि सर इसको यूं कर ले नहीं सर क्यों, ये पहले किसी ने नहीं किया। तो भाई पहले किसी ने नहीं किया तो यार मतलब मेरी गलती है इसमें, यार आप इस पर डिबेट करें ना कि इज इट द राइट थिंग टू डू और नॉट, ये क्या लॉजिक है कि चूंकि पहले किसी ने, भाई जिंदगी में जब जिससे पहले किसी ने नहीं किया था वो भी अगर ये लॉजिक इस्तेमाल करता तो आज की दुनिया में कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि हर काम दुनिया में पहले तो पहली बार दबा हुआ है यार। तो ये मुझे समझ नहीं आती बात, सर इस स्क्रिप्ट को यूं कर लें, इस हेडलाइन को ऐसे बना दें, नहीं अच्छा मैं अल्लाह ना करे मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़ा रस्तू और तुर्रम खान हूँ, मेरी बात यही मैं कह रहा हूँ कि भाई डिबेट तो करो, आप वो नहीं है वसीम भाई, आप जो बात कर रहे हैं वो 1000 जगह गलत बात कर रहे हैं, इसलिए कि यूं बिल्कुल ठीक है, तो फिर मेरा ऑपिनियन ये क्या लॉजिक है कि मैं आज तक तो ये हुआ मैं जेन एक्स की रिप्रेजेंटेशन करते हुए आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें इतने अच्छे मशवरे दिए और ये आपने कहीं बात की, तो मैं आई कैन स्टॉप माय एडवाइस ट्रस्ट मी बिफोर इट्स टू लेट। मैंने आज से बहुत सालों पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत मशहूर आदमी, एक आदमी का ट्वीट देखा जो कि मेरे ख्याल में दुनिया की कामयाब तीन आदमियों में से था, पाकिस्तान की कामयाब तीन आदमियों में से था, उनकी वादा में इंतकाल हो गया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि यार मेरे पास सब कुछ है, मैं जिंदगी में इतना मसरूफ रहा कि यार बड़ा रिग्रेट है माँ को टाइम नहीं दिया, एंड आई कैन पुट सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स। तो उस से ना मैं अभी मजीद अपनी लाइफ में नहीं जाता क्योंकि ज़ाहिर है अपनी कोई ज़ाती जिंदगी शेयर करने के लिए नहीं हूँ, आप लोगों को इससे ज़्यादा अहम चीज़ें सुननी चाहिए, लेकिन मैंने बहुत बड़ा उससे लेसन लिया। आज आप रियलाइज नहीं करेंगे ना, जिंदगी में एक चीज आएगा जब रियलाइज करेंगे कि यार ये जो पौधा, ये जो पैसा हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की और उस चक्कर में घर वाले बहन भाई सबको छोड़ दिया, सबको टाइम नहीं दिया, तो ये मैंने करोड़ों हासिल कर लिए और अरबों लुटा दिए, यार ये क्या किया लाइफ में, यार इसको अभी से रियलाइज करना है, अपनी फैमिली लाइफ की इंपॉर्टेंस की। और आखिरी बात, ये कोई मशवरा वगैरह नहीं है, एक मासूमाना सी गुजारिश है भाई, इसको हर हवाले से अप्लाई कीजिएगा, मैं किसी खास कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को लगे किसी खास कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ तो आप लोग समझ लीजिएगा वो मैं किसी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन एवरी वन ऑफ अस हैज द राइट टू हैव हिज ओन ओपिनियन, बिल्कुल होनी चाहिए, एवरी वन ऑफ अस हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियन। नंबर टू, बहुत गुस्सा है माशरे में, थोड़ा जरा हौसला, ठंडे साथ जरा इजी, बहुत तलखी आ गई माशरे में, थोड़ा सा जरा रिलैक्स करने की जरूरत है। Once again, thank you very much for being such a lovely audience. अपने लिए बहुत सारे तालियां बजाएं।